गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम लोग इंग्लिश स्टारबर्स लिटरेचर बुक का चैप्टर 2 पढ़ने जा रहे हैं और इस चैप्टर का नाम है द टेलर बर्ड एंड द नॉटी कैट। टेलर का मतलब होता है दर्जी, बर्ड चिड़िया, दर्जी चिड़िया, एंड द नॉटी कैट मतलब नटखट बिल्ली। ये कहानी एक दर्जी चिड़िया की है और एक नटखट बिल्ली की है। अब तुम सोचोगे कि ये टेलर बर्ड क्या होता है, ये दर्जी कौन है जो चिड़िया होती है। तो दर्जी चिड़िया एक प्रकार की वैसी चिड़िया होती है जो अपना घोंसला अपने बीक से पत्तों को आपस में सी कर और उसको घोंसला को तैयार करती है, इसलिए उसका नाम टेलर बर्ड रखा गया है। तो देखते हैं आगे इस कहानी में क्या है। सबसे पहला चीज़ तो यहाँ वार्म अप के लिए दिया हुआ है, सॉल्व दिस क्रॉसवर्ड पजल विद द नेम्स ऑफ द बेबीज ऑफ दिज एनिमल्स। यहाँ पे कुछ पजल्स दिए हुए हैं जिसमें डाउन और एक्रॉस, डाउन का मतलब हम लोग ऊपर से नीचे की तरफ चलेंगे और एक्रॉस का मतलब लेफ्ट टू राइट चलेंगे। तो इस पजल को देखते हुए विद द नेम्स ऑफ द बेबीज ऑफ दिस एनिमल्स, इन एनिमल्स के बच्चे का नाम इसमें भरना है। जैसे मान के चलो डाउन दिया हुआ है, तो डाउन मीन्स हम लोग ऊपर से नीचे की ओर चलेंगे, तो एक नंबर यहाँ पे कहाँ है, एक नंबर है हम लोग का यहाँ पे, और यहाँ पे हम लोग ऐसे नहीं चलेंगे क्योंकि एक नंबर डाउन में दिया हुआ है, तो हम लोग एक नंबर में डाउन से चलेंगे, ठीक है। तो डाउन में एक नंबर में दिया है हेन। हेन के बेबीज का क्या नाम होता है, हेन के बच्चे को क्या कहते हैं, मुर्गी के बच्चे को क्या कहते हैं। तो जो भी उसका नाम होगा तुम लोग इसमें फील करोगे। जैसे मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, हेन के बच्चे को कहते हैं चिक, CHICK, चिक मतलब होता है मुर्गी का बच्चा। तो चिक कितने वर्ड का हुआ, कितने लेटर्स का हुआ, सी, यहाँ पे सी डालेंगे, HICK, ये हो जाएगा हमारा चिक, एक नंबर हम लोग का हो गया फुलफिल हेन। उसी प्रकार दो नंबर डॉग दिया हुआ है, तो दो नंबर कहाँ है, तो दो नंबर यहाँ है, तो यहाँ से हम लोग डाउन की तरफ चलेंगे। तो डॉग के बच्चे को क्या कहते हैं, उसके बेबीज़ का क्या नाम होता है। तो यहाँ पे जो भी डॉग के बच्चे का नाम होगा हम लोग यहाँ पे इसको फील करेंगे। तो ये तुम लोगों का होमवर्क रहा। कैट के बच्चे को क्या कहते हैं, चार नंबर में है, तो चार यहाँ से है, यहाँ से चलेंगे हम लोग डाउन। एक्रॉस, एक्रॉस में आया है एक नंबर में काऊ, अब एक नंबर यहाँ है, तो एक्रॉस का मतलब एक लेफ्ट टू राइट चलना है, मतलब हम लोग यहाँ से यहाँ भरेंगे, ठीक है। तो काऊ के बच्चे को क्या बोलेंगे, डक के बच्चे को क्या बोलेंगे, तो थ्री से इधर की तरफ चलेंगे। उसी प्रकार बस इतना ही चीज़ दिया हुआ है, तो तुम लोगों को ये होमवर्क अपना पूरा करना है, ठीक है, तुम लोग इसको करोगे। अब देखते हैं हम लोग कहानी को कि कहानी में क्या दिया हुआ है। वंस अपॉन ए टाइम, एक समय की बात है, वंस अपॉन मतलब एक समय, अ टाइम एक समय की बात है, अ टेलर बर्ड एक दर्जी चिड़िया डिसाइडेड टू बिल्ड, उसने निर्णय किया, निश्चय किया, टू बिल्ड बनाने का, बिल्ड मतलब होता है बनाना, डिसाइड मतलब होता है निश्चय करना, उसने एक बनाने का निश्चय किया। क्या बनाने का निश्चय किया, हर नेस्ट अपना घोंसला। एक बार एक दर्जी चिड़िया ने अपना घोंसला बनाने का निश्चय किया इन द किचन गार्डन। कहाँ पर, इन द किचन गार्डन। किचन गार्डन क्या होता है, किचन गार्डन घर के पीछे जो गार्डन होता है उसको हम लोग किचन गार्डन बोलते हैं, मतलब घर के पीछे का बगीचा। तो घर के पीछे जो बगीचा किचन गार्डन होता है वहीं पे अपना घोंसला बनाने का निश्चय किया, ऑफ ए हाउस होल्ड, एक घर। हाउस होल्ड का मतलब एक घर के पीछे जो किचन गार्डन होता है उस किचन गार्डन में उसने अपना घोंसला बनाने का डिसाइड किया। सी सिलेक्टेड, उसने चुना, सिलेक्ट मतलब होता है चुनना, उसने चुना अ ब्रिंजल प्लांट, एक बैगन का पौधा। मतलब उसने किस चीज़ पे बनाने का निश्चय किया, तो ब्रिंजल, ब्रिंजल मतलब होता है बैगन, तो बैगन के पौधे को चुना, फॉर हर होम अपने घर के लिए, फॉर के लिए, हर अपने होम अपने घर के लिए उसने किसको चुना, ब्रिंजल प्लांट को। एंड ब्यूटीफुली, और ब्यूटीफुली का मतलब होता है बहुत ही सुंदर तरीके से, बहुत ही सुंदरता से, बहुत ही सुंदरता से, स्टिच्ड, स्टिच का मतलब होता है सीना, जैसे कपड़ा सीना तो स्टिच क्लॉथ, तो स्टिच्ड उसने सी दिया टू लीव्स, दो पत्तियों को। जो जो हम वर्ड मीनिंग बोलते जा रहे हैं तुम लोग उस वर्ड को अपने कॉपी पर लिख के और उसका हिंदी लिख लोगे, स्टिच्ड मतलब सीना,
सी दिया टू लीव्स, दो पत्तियों को टुगेदर, टुगेदर मतलब होता है एक साथ सी दिया विथ हर बीक, क्या चीज से, विथ के साथ, हर बीक अपने चोंच से, यानी उसने क्या किया, बहुत ही सुंदर तरीके से दो पत्तियों को एक साथ मिलाकर अपने चोंच से क्या कर दिया, स्टिच कर दिया, सी दिया, क्रिएटिंग हर नेस्ट अपना घोंसला बनाने के लिए। समझ में आ गया, उसने अपना घोंसला बनाने के लिए दो पत्तियों को बहुत ही सुंदर तरीके से एक साथ मिलाकर सी दिया, और उसके लिए उसने किस चीज़ को चुना था, उसने ब्रिंजल के प्लांट को सिलेक्ट किया था, चुना था। इट इज इन दिस नेस्ट दैट सी लेड हर एग्स सम टाइम लेटर, और यही वो घोंसला है जहाँ पर उसने कुछ समय बाद, सम टाइम्स लेटर, लेटर मतलब बाद, सम टाइम मतलब कुछ समय बाद, लेड मतलब होता है अंडा देना, तो यहाँ पे लेड है तो दिया, सी लेड, उसने दिया हर एग्स अपने अंडे को, उसने अपने अंडे को दिया मतलब उसने अंडा दिया, सम टाइम्स लेटर कुछ समय बाद, इसी नेस्ट में उसने कुछ समय बाद अपना अंडा दिया, आफ्टर अ फ्यू डेज कुछ दिनों बाद, आफ्टर मतलब बाद, फ्यू डेज मतलब कुछ दिन, यानी कुछ दिनों बाद, द एग हैच्ड, द एग्स हैच्ड, वो अंडे क्या हो गए, हैच मतलब होता है टूटना, अंडा जब होता है तो उसको कुछ दिन के बाद वो अंडा टूटता है तो उसमें से बच्चे निकलते हैं, तो अंडा क्या हो गया, हैच हो गया, टूट गया, एंड थ्री टीनी चिक्स, और तीन छोटे छोटे, टीनी मतलब छोटे, चिक्स मतलब मुर्गी के बच्चे, तीन छोटे छोटे मुर्गी के बच्चे इमर्ज्ड, इमर्ज मतलब केम आउट, मतलब उस अंडे से बाहर निकले, ठीक है, दे वेयर सो यंग, वे लोग इतने जवान मतलब इतने छोटे थे, दे वेयर सो यंग, सो मतलब इतना, वे लोग इतने छोटे थे, दे कुड नॉट ओपन देयर आइज, कि वे लोग अपनी आँखें तक नहीं खोल सकते थे, वे लोग इतने छोटे थे, दे कुड नॉट, वे लोग नहीं सकते थे, ओपन देयर आइज अपनी आँखों को खोल, यानी अपनी आँखों को नहीं खोल सकते थे, दे कुड नॉट इवन फ्लाई, वे लोग उड़ भी नहीं सकते थे, क्लियर हुआ, वे लोग इतने छोटे थे कि वे लोग अपनी आँखें भी नहीं खोल सकते थे, और वे लोग फ्लाई फ्लाई भी नहीं कर सकते थे, यानी उड़ भी नहीं सकते थे, दे कुड ओनली कॉल, वे लोग केवल क्या कर सकते थे, दे कुड ओनली कॉल, वे लोग केवल बोल सकते थे, आउट इन अ श्रील वॉयस, तेज आवाज में केवल बोल सकते थे, मतलब वो लोग ना देख सकते थे ना उड़ सकते थे, हाँ केवल अपने मुंह से श्रील वॉयस, श्रील का मतलब होता है थोड़ा सा हाई पिच, मतलब तेज आवाज में केवल ची 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 करके बोल सकते थे बस। नाउ इट सो हैपेंड, नाउ मतलब अब, इट सो हैपेंड, ऐसा हुआ, हैपेंड मतलब होता है होना, घटना घटित होना, यानी एक दिन ऐसा हुआ दैट कि अ कैट ऑल्सो लिव्ड इन द सेम हाउस होल्ड, उसी घर में, सेम हाउस होल्ड मतलब उसी घर में एक बिल्ली भी रहती थी, ऑल्सो मतलब भी, अ कैट ऑल्सो लिव्ड, एक बिल्ली भी रहती थी इन द सेम हाउस होल्ड, उसी घर में, सी वॉज वेरी मिस्चीवस, सी वॉज वेरी मिस्चीवस, मिस्चीवस का मतलब होता है बहुत ही शरारती, वह बहुत ही शरारती थी, एंड वांटेड और चाहती थी, वांट मतलब चाहना, और क्या चाहती थी, टू टेक द बेबी बर्ड्स अवे, टेक अवे मतलब होता है ले लेना, उस बेबी बर्ड्स को यानी उस छोटे बच्चे को, चिड़िया के छोटे बच्चे को वो ले लेना चाहती थी अपना भोजन बनाने के लिए, यानी खाने के लिए, वो इतनी शरारती थी। एवरी डे सी वुड कम, प्रत्येक दिन सी वुड कम, वह आती थी, द टेलर बर्ड्स नेस्ट, उस टेलर, उस दर्जी चिड़िया के घोंसले के पास प्रतिदिन वो आती थी, एंड ट्राई टू टॉक टू हर, और ट्राई करती थी, ट्राई मतलब होता है कोशिश करना, टॉक मतलब होता है बात करना, हर मतलब उससे, उससे बात करने की कोशिश करती थी, प्रतिदिन क्या करती थी, वो उस दर्जी चिड़िया के घोंसले के पास आती थी और उससे बात करने की कोशिश करती थी। एट द सेम टाइम, और सेम टाइम मतलब उसी समय, सी वुड कीप लुकिंग, वह देखा करती थी, इंतज़ार करती थी, यानी खोज में रहती थी, फॉर एन अपॉर्चुनिटी, एक अवसर के तलाश में रहती थी, कौन सी, किस चीज़ का अवसर, टू टेक द चिक्स, उस बच्चे को लेने का,
मतलब बात करते रहती थी और हमेशा एक अवसर अपॉर्चुनिटी की खोज में रहती थी कि कब मौका मिल जाए, एक मौके की तलाश में रहती थी कि कब मौका मिले कि मैं उसके बच्चे को पकड़ लूँ, उसके बच्चे को पकड़ने के मौके की खोज में रहती थी। इन अ सिंग सॉन्ग वॉयस गाना गाने की आवाज़ में, सिंग सॉन्ग वॉयस गाना गाने की आवाज़ में, सी वुड से वह कहा करती थी, क्या कहती थी, ओ माई डियर टेलर बर्ड, ओ मेरे प्यारे दर्जी चिड़िया, हाउ डू यू डू, तुम कैसे हो, हाउ डू यू डू का मतलब होता है तुम कैसे हो। द क्लेवर बर्ड, और वो जो चलाक चिड़िया थी, वुड बो रेस्पेक्टफुली, बो का मतलब होता है झुकना, मतलब किसी के सामने झुक जाना, नमन करना, तो वो जो चलाक चिड़िया थी वो रेस्पेक्टफुली बहुत ही आदर से उसके सामने झुक जाती थी एंड रिप्लाई, और उसे जवाब देती थी, रिप्लाई मतलब जवाब देना, ओ माई डियर महारानी आई बो टू यू, ओ मेरे महारानी आई बो टू यू, मैं आपको सलाम करती हूँ, मतलब मैं आपके सामने झुकती हूँ, अपना सर को झुकाती हूँ, मतलब मैं तुम्हें सलाम करती हूँ। तो इतना सुनकर एंड द कैट वुड लीव, और कैट वहाँ से लीव मतलब होता है चले जाना, छोड़ देना, मतलब उस जगह से चले जाती थी, क्या सोचकर, प्राउड एंड हैप्पी, अपने गर्व से और खुश होकर, टू बी कॉल्ड ए क्वीन, एक रानी कहे जाने से, मतलब जो ये क्लेवर बर्ड उसको महारानी कहती थी, तो इस बातों से वो खुश हो जाती थी कि अरे ये तो मुझे महारानी कह रहा है, तो प्राउड एंड हैप्पी टू बी कॉल्ड ए क्वीन, एक रानी कहे जाने से वह खुश और प्राउड होकर वहाँ से क्या कर जाती थी, चली जाती थी। द चिक्स फॉरगेटन, उस बच्चे को भूलकर, उस बच्चे को जो वो पकड़ने के लिए गई थी, तो उन बच्चे को पकड़ना भूलकर वो इस बात में खुश हो जाती थी कि अरे वो तो मुझे महारानी कह रहा है, इस प्राउड के साथ, इस गर्व के साथ वो वहाँ से फिर चली जाती थी। टाइम पास्ट एंड चिक्स ग्रीव, समय बीतता गया, टाइम पास्ट समय बीतता गया, एंड द चिक्स ग्रीव, और वो जो बच्चे थे वे क्या हो गए, बड़े हो गए, ग्रो मतलब होता है बड़ा होना, तो ग्रीव हुआ बड़े हो गए, बड़े हो गए। दे कुड नाउ सी क्लियरली, अब वे लोग, नाउ मतलब अब, वे लोग दे सी देख सकते थे क्लियरली, दे कुड नाउ सी क्लियरली, अब वे लोग बहुत ही साफ सुथरा यानी अच्छे तरीके से, बहुत ही क्लियरली देख सकते थे, देख पाते थे। एंड हैड स्ट्रॉन्ग विंग्स, और उनका जो विंग्स था, उनके जो पंख थे, वो भी क्या हो चुके थे, बहुत ही मजबूत हो चुके थे, यानी पहले जब बच्चे थे तो उनका विंग्स जो था, उनका डायना जो पंख था, वो कमज़ोर था, जिसके चलते वे लोग उड़ नहीं पाते थे। अब ये लोग चूँकि बड़े हो गए तो उन लोग को दिखाई भी अच्छे से देने लगा, एंड हैड अ स्ट्रॉन्ग विंग्स, और उन लोगों का विंग्स भी क्या हो गया, स्ट्रॉन्ग हो गया, मजबूत हो गया। वन डे, एक दिन, देयर मदर, उनकी माता, मतलब कौन, चिड़िया, आस्क देम, उनसे पूछा, उन बच्चों से क्या किया, आस्क मतलब पूछना, देम मतलब उन लोगों से, यानी उन बच्चों से पूछा, माई चिल्ड्रेन, मेरे बच्चों, डू यू थिंक क्या तुम्हें लगता है, यू विल बी एबल, तुम अब सक्षम हो पाओगे टू फ्लाई, उड़ने में, नाउ, अब, क्या तुम अब उड़ पाओगे, क्या तुम अब उड़ने में सक्षम हो पाओगे, एबल हो पाओगे। तो बच्चा क्या जवाब दे रहा है, ऑफ कोर्स मदर, बिल्कुल, ऑफ कोर्स मतलब बिल्कुल माम, दे रिप्लाइड, उन लोगों ने जवाब दिया कि हाँ माँ बिल्कुल एकदम उड़ पाएंगे। देन फ्लाई टू द हाइएस्ट ब्रांच ऑफ दैट पाम ट्री, सी सेड, तो उस चिड़िया ने कहा, तब फ्लाई टू द हाइएस्ट ब्रांच, उस सबसे ऊंचे ब्रांच उस पाम ट्री के, मतलब उस पाम का जो ट्री है, उस पेड़ के सबसे ऊंचे ब्रांच पर उड़ के दिखाओ, यानी उड़ जाओ, तब मुझे पता चलेगा कि तुम लोग उड़ सकते हो कि नहीं उड़ सकते हो। ठीक है, हर चिल्ड्रेन इमीडिएटली टुक फ्लाइट एंड सेटल्ड ऑन द हाईएस्ट ब्रांच ऑफ द नियर बाई पाम ट्री, तो उसके बच्चे इमीडिएटली मतलब तुरंत, टुक मतलब लिया, फ्लाइट मतलब उड़ान, यानी उसके जो बच्चे थे, जब उसकी माँ ने, चिड़िया, जब बर्ड ने बोला कि तुम उस ऊंचे ब्रांच पर उड़ के दिखाओ, तो उसके बच्चे ने क्या किया, उसके बच्चों ने टुक फ्लाइट, उड़ान भरी, एंड सेटल्ड ऑन द, और बैठ गए ऑन द हाईएस्ट ब्रांच ऑफ द नियर बाई पाम ट्री, नज़दीक के, नियर बाई मतलब पास के, पाम ट्री,
के ब्रांच के सबसे पाम ट्री के सबसे ऊंचे ब्रांच पर जाकर क्या हो गए, सेटल्ड हो गए, यानी बैठ गए। सेटल मतलब हो जाता है बैठ जाना, नियर बाई मतलब होता है नजदीक पास के, पाम ट्री का मतलब वही खजूर का पेड़, और फ्लाइट का मतलब होता है उड़ान, टुक फ्लाइट मतलब उड़ान भरना। तो इस प्रकार से हर चिल्ड्रन इमीडिएटली टुक फ्लाइट, उसके बच्चे तुरंत ही उड़ान भरे एंड सेटल्ड और बैठ गए ऑन द हाईएस्ट ब्रांच, सबसे ऊंचे ब्रांच पर ऑफ द नियर बाई पाम ट्री, पास के खजूर के पेड़ पर। ठीक है, अब यहां पे कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं। डिड द कैट लाइक बीइंग कॉल्ड अ क्वीन, क्या बिल्ली को क्वीन कहलाना अच्छा लगता था? अब तुम लोग बताओ कि बिल्ली को रानी कहलाना अच्छा लगता था? यस, उसे अच्छा लगता था। द कैट लाइक्ड कॉल्ड अ क्वीन। गिव द अपोजिट्स ऑफ द फॉलोइंग, ये जो दो वर्ड दिए हुए हैं इसके अपोजिट को लिखना है, यानी इसका उल्टा क्या होगा, इसका उल्टा शब्द क्या होगा। हाईएस्ट, हाईएस्ट मतलब होता है सबसे ऊंचा, तो बताओ इसका अपोजिट क्या होना चाहिए, तो इसका हो जाएगा सबसे नीचा, यानी हाई मतलब ऊंचा, तो लो मतलब होता है नीचे, और हाईएस्ट हो गया तो यहां हो जाएगा लोवेस्ट। नॉटी मीन्स क्या होता है, नॉटी मतलब होता है नटखट, तो नटखट का उल्टा क्या होगा, नटखट का उल्टा होता है अच्छा या सीधा, तो तुम जेंटल भी बोल सकते हो, तुम गुड भी बोल सकते हो, तुम वेल बिहेव्ड भी बोल सकते हो, मीन्स इस प्रकार से तुम लोग इसको कर लेना। ठीक है, आगे देखते हैं। एट लॉन्ग लास्ट, और अंत में सी स्माइल टू हरसेल्फ, सी स्माइल टू हरसेल्फ, वह स्वयं पर मुस्कुराई एंड सेड, और कहा, लेट द नॉटी कैट कम टू मी नाउ, अब उस नॉटी कैट को, उस नटखट बिल्ली को मेरे पास आने दो। लेट द नॉटी कैट कम, उस नटखट बिल्ली को आने दो, टू मी मेरे पास, नाउ अब उस बिल्ली को मेरे पास आने दो। आई विल गिव हर हर ड्यूज, और मैं उसे सबक सिखाऊंगी, यानी मैं उसे उसका ऋण चुकता करूंगी। हर ड्यूज, ड्यूज का मतलब ऋण होता है, यहां पे सेंस होगा मैं उसे सबक सिखाऊंगी। ये बात किसने बोला था, ये बात बर्ड ने बोला था, यानी मदर बर्ड ने। द नेक्स्ट डे, अगले दिन, द कैट एज यूजुअल, बिल्ली हमेशा की तरह केम, आई, हमेशा जैसे रोज रोज आया करती थी, वो भी उस दिन हमेशा की तरह एज यूजुअल केम, आई टू द ब्रिंजल प्लांट, उस ब्रिंजल प्लांट के पास, एंड कॉल्ड आउट, और पुकारा, ओह माई डियर टेलर बर्ड, हाउ डू यू डू, तुम कैसे हो मेरे प्रिय टेलर बर्ड, यानी दर्जी चिड़िया, तुम कैसे हो। द बर्ड, वो चिड़िया, अब तो बच्चे तो उड़ के पाम ट्री पे चले गए थे, अब उसकी माँ बची हुई थी, तो वो चिड़िया, इंस्टीड ऑफ ग्रीटिंग द कैट रेस्पेक्टफुली, इंस्टीड का मतलब होता है के बजाय, के बजाय, के यानी उस बिल्ली को आदर पूर्वक सम्मान करने के बजाय, उस चिड़िया ने क्या किया, द बर्ड स्टक आउट हर लेग एंड सेड, अपना पैर को स्टक मतलब उसके तरफ झाड़ते हुए, उसके तरफ हिलाते हुए बोला, स्टक आउट हर लेग एंड सेड, और कहा, गो अवे यू नॉटी कैट, यहां से चले जाओ नटखट बिल्ली, आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ यू, मैं तुमसे नहीं डरती हूँ। अफ्रेड का मतलब होता है डरना, आई एम नॉट अफ्रेड, मैं नहीं डरती हूँ ऑफ यू, तुमसे। दैट द कैट वॉज फ्यूरियस, तो बिल्ली को क्या हो गया, बिल्ली को गुस्सा आ गया, वह तिलमिला गई। सी इमीडिएटली ट्राइड टू क्लाइंब अप द बर्ड्स नेस्ट, वह तुरंत ही कोशिश करने लगी, टू क्लाइंब चढ़ने की, अप टू द बर्ड्स नेस्ट, उस चिड़िया के घोंसले के पास, यानी उस चिड़िया के घोंसले के पास ऊपर चढ़ने की कोशिश करने लगी बिल्ली। अब तो उसे गुस्सा आ गया था कि उसने मुझे क्यों ऐसा बोल दिया कि यहां से भाग जाओ। व्हाट डू यू थिंक हैपेंड, अब बताओ तुम्हें क्या लगता है क्या हुआ होगा, यानी क्या हुआ उसके आगे, तुम्हें क्या लगता है, तुम कुछ गेस करो। द टेलर बर्ड फ्लू फार अवे, वो जो दर्जी चिड़िया थी उड़ गई, फ्लू मतलब उड़ गई, फार अवे बहुत दूर, एंड ज्वाइंट हर चिल्ड्रेन, और अपने बच्चों के पास जाकर मिल गई, ज्वाइंट का मतलब उन लोगों के पास चली गई, एंड ज्वाइंट हर चिल्ड्रेन ऑन द हाईएस्ट ब्रांच, सबसे ऊंचे ब्रांच पर ऑफ द पाम ट्री, उस खजूर के पेड़ के,
उस खजूर के पेड़ के सबसे ऊंचे ब्रांच पर अपने बच्चों के पास वो चली गई, माने उनसे जाके मिल गई, बहुत दूर उड़ गई। एंड ओ डियर द नॉटी नॉटी कैट गॉट स्क्रैच्ड बाय द ब्रिंजल थॉर्न्स। और उसने बोला कि वो जो सबसे नटखट जो बिल्ली है वो क्या हो गई, गॉट स्क्रैच्ड, उसे स्क्रैच हो गया बाय द ब्रिंजल थॉर्न्स। ब्रिंजल में जो कांटे होते हैं उस कांटे से उसे क्या हो गया, स्क्रैच हो गया, वो घायल हो गई, क्योंकि ब्रिंजल में थॉर्न जो होते हैं तो उसके शरीर में वो चुभ गया, जिसके चलते स्क्रैच हो गया और वो क्या हो गई, घायल हो गई। तो ओवरऑल ये चैप्टर भी इंड कर गया। अब इसमें तुम लोग कुछ क्वेश्चन आंसर जो है यहाँ पे तुम देख लो, व्हाई डिड द कैट ट्राई टू क्लाइंब अप टू द बर्ड्स नेस्ट। वो जो बिल्ली थी वो बर्ड के नेस्ट के पास ऊपर चढ़ने की कोशिश क्यों की, ये तुम लोग को पता होगा, क्योंकि जस्ट अभी मैंने बताया कि वो चढ़ने की कोशिश की तो क्यों की। हु सेड द फॉलोइंग, ये बात किसने कहा, ओह माई डियर टेलर बर्ड हाउ डू यू डू, ये बात किसने कहा। गो अवे यू नॉटी कैट आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ यू, ये बात किसने कहा। ये तुम लोग खुद इस चैप्टर को पढ़ने के बाद या इस वीडियो को देखने के बाद तुम लोग आंसर करोगे। यहाँ पे कुछ क्वेश्चन आंसर है, रीड एंड आंसर, इसको तुम लोग टिक लगाओगे। टिक लगाने के बाद ये तुम लोगों का होमवर्क रहेगा, क्वेश्चन ये अपने से लिखना। थिंक एंड आंसर में भी कुछ दिए हुए हैं, तुम लोग कोशिश करो, नहीं अगर आएगा तो इसका फिर क्वेश्चन आंसर ग्रुप में डाल दिया जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।